मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर 11 फीट और 12 फीट की अलग अलग बहनों द्वारा बांधी भगवान को राखी, बहनों में दिखा उत्साह। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर आज निर्मला गुप्ता और अर्पणा जैन द्वारा भगवान आशुतोष को अपने हाथों से निर्माण कर राखी बांधी गई है और जिले भर में सुख शांति बनी रहे यही राखी बांधकर कामना भी की गई। निर्मला गुप्ता द्वारा लगभग 9 वर्षों से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचकर प्रतिमा को राखी बांधी जा रही है और अर्पणा जैन द्वारा बताया गया कि लगभग 14 वर्षों से राखी बांध रही हूं और लोगों में भगवान के प्रति आस्था हो उसको लेकर भगवान से प्रार्थना भी की जाती है और इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर 12 फीट की राखी का निर्माण किया गया और राखी को भगवान आशुतोष को बांधी गई है। कलेक्टर और मंदिर समिति के प्रबंधक को भी अर्पणा जैन द्वारा मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दिया गया है क्योंकि भगवान आशुतोष को रक्षा सूत्र बांधने के लिए परमिशन दी गई थी। अंदर जाने के लिए पंडित राकेश भट्ट द्वारा कहा गया कि सावन माह का आज आखिरी दिन है और रक्षाबंधन का पर्व है और बहनों में भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और बहनों द्वारा भी अलग अलग यहां से घरों पर सदस्य के साथ मिलकर भव्य तरह से राखी को निर्माण किया गया और आशुतोष को बांधी गई है और आज पशुपतिनाथ मंदिर पर भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राखी बांधने आई भगवान को बहन निर्मला गुप्ता ने भगवान से प्रार्थना भी की है कि विश्व से कोरोना जैसी जो बीमारी चल रही है वो खत्म हो जाए क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर बाजारों में भी उत्साह और भीड़ नज़र नहीं आई है और त्यौहार भी पूरी तरह से फीका पड़ गया है। पुण्य पवित्र मास श्रावण मास का आज अंतिम दिन है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आज रक्षाबंधन जो माता बहनों के लिए एक विशेष पर्व है। आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ में श्रद्धा रखने वाली बहनें जो बचपन से ही पशुपतिनाथ की छत्र छाया में पली बड़ी हुई है यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ की भाई के स्वरूप में पिता के स्वरूप में तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर राखी बांधी जाती है तथा साथ में कामना की जाती है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तावदिवत नामी रक्षे माचल माचल, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को राखी समर्पित करती राखी बांधती है और साथ ही कामना करती है कि हमारा परिवार में सुखमय है, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करे और भगवान पशुपतिनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। जय महादेव। पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान पशुपतिनाथ को प्रातःकाल आके 5 बजे मैंने भगवान को रक्षा सूत्र बांधा। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और राहुल भैया के भी जिन्होंने मुझे परमिशन दी राखी बांधने की खुद स्वयं के हाथों से भगवान पशुपतिनाथ को। और मैं सबको यही चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के पर्व पर जैसे भगवान पशुपतिनाथ अपने मंदसौर नगरी में सभी की रक्षा करते हैं उसी तरह सभी के मन में आस्था और विश्वास भी बना रहे हमेशा। मैं 14 वर्षों से ये 12 फीट की राखी है और पिछले 14 वर्षों से मैं मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ को ही राखी बांधती आ रही हूँ। क्या प्रार्थना की गई आशुतोष से? बस सभी का स्वास्थ्य सब अच्छे से रहे, सभी का शुभ मंगल हो और सभी बहुत अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए। मेरा नाम है अर्पणा जैन। थैंक यू। ये राखी तो 11 फीट की है, 20-25 दिन पहले से बना रहे हैं। वर्क करने में 3-4 घंटे लगते हैं रोजाना। जी इसमें तो फ्लावर है, वो मोती वगैरह सब चीज़ें हैं, ये थर्माकोल है, वेलवेट है, बहुत सी चीज़ें, घंटियाँ है। मैं 9 वर्षों से बना रही हूँ और भगवान जी को चढ़ाती हूँ, राखी बांधती हूँ और मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा ससुराल मंदसौर में है, मैं इस धरा पे हूँ जो भगवान पूरे विश्व में विख्यात है। और मेरी यही मनोकामना इस बार कि भगवान जी ये सब कोरोना मुक्त करे देश को, विश्व को और सभी खुशहाल रहे। अभी रौनक नहीं है मार्केट बाजारों में, सभी बहुत परेशान है, तो ये परेशानी भगवान दूर करे इस सबकी। क्या उद्देश्य रहता है आपका राखी बांधने का? उद्देश्य यही है कि बस श्रद्धा श्रद्धा है, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। क्या नाम आपका? निर्मला गुप्ता। थैंक यू।
ये राखी मेरी मम्मी निर्मला जी गुप्ता ने बनाई है और मम्मी को ये राखी बांधने का यही उद्देश्य रहता है कि घर परिवार पर हम सब पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, बरसती रहे। और इस वर्ष यही कामना करते हैं हम कि इस राखी को बांध कर कि भगवान सबकी रक्षा करें और कोरोना महामारी को जल्दी से जल्दी इस देश और दुनिया से दूर कर दें और सभी पहले जैसे खुशहाल हो जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया पालीवाले, प्रतापगढ़ राजस्थान से।